हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म, संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थापना होता है। ऐसे संविधान सभा का स्थापना तो 6 दिसंबर 1946 में हो गया था, बट फर्स्ट सेशन मीटिंग संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और कब इनको नियुक्त किया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 में इनको परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया था। और जब संविधान सभा का स्थापना तो उसमें नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के गठन कब किया गया था, या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में, और 11 दिसंबर 1946 में जैसे भी डिस्कस किया, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया गया था, किसका प्रपोज है ये संविधान सभा का प्रीएम्बल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल का संविधान के प्रीएम्बल का प्रस्तुत किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेयर बाय होम, जैसा कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा का पहले दिन का मीटिंग किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। संविधान सभा का पहले दिन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, चेयर किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा चेयर किया गया था पहले दिन का। यह नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे जब संविधान सभा का स्थापना हुआ था, और परमानेंट प्रेसिडेंट किसे किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल, कब प्रस्तावना के आधार पर संविधान सभा का उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, या ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कब पेश किया गया था संविधान सभा का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन या उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया था, बी एन राव को। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन, संविधान सभा को कब अपनाया गया था, या कब संविधान सभा को फाइनली अडॉप्ट किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अडॉप्ट किया गया था। और संविधान सभा बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था, अडॉप्ट 26 जनवरी 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, या निर्माता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही, इसका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, और इन्होंने लगभग 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी किया हुआ था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टोटल नंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, 389 संविधान सभा में टोटल मेंबर थे जब संविधान सभा बना था, बट आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर बचे थे। नेक्स्ट है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, लैंग्वेज से, 8वां अनुसूची भारतीय संविधान का 8th शेड्यूल ये संबंधित है लैंग्वेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में हम
संसद प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से बोरो किए हैं, कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हम किस देश के संविधान से बोरो किए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, इंग्लैंड, जिसे हम यूके के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसके संविधान से हम बोरो किए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और हम फंडामेंटल राइट्स ये यूएसए के पार्लियामेंट से बोरो किए हैं, और यूएसएसआर जिसे बोलते हैं यूएसआर से हम फंडामेंटल और भी जैसे बट इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटी ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन हम बोरो किए हैं, और आयरलैंड से दो कंट्री दो कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर आयरलैंड और पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन मिला के हम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम DPSP बोलते हैं ये आयरलैंड के संविधान से बोरो किए हैं, जिसे हिंदी में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं DPSP को हम ये आयरलैंड और पोलैंड के संविधान से बोरो किए हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये हम इंग्लैंड के संविधान से बोरो किए, ये इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी आर डिस्क्राइब इन विच शेड्यूल, जैसा कि ये क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम भारत के किस अनुसूची में वर्णित है, किस अनुसूची या किस शेड्यूल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को डिस्क्राइब किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट शेड्यूल पहला पहला अनुसूची में केंद्र और राज्य केंद्र शासित और राज्य को डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट सूची में, तो ये इंपॉर्टेंट है किस शेड्यूल में है, तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट एंड यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हम किस संशोधन किस अमेंडमेंट के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े हैं, किस अमेंडमेंट के तहत हम सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी वर्ड जोड़े हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था इसके तहत हम 42वें संशोधन के तहत सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जैसे वर्ड ऐड किए हैं अपने संविधान में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लो इज कॉल्ड एज द सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आत्मा हम किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से हम संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, प्रीएम्बल जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं हम प्रीएम्बल को सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच, भारतीय संविधान का 17वां अनुच्छेद ये किससे संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन सी सही है, एबोलिशन एंड अनटचेबिलिटी ये इससे संबंधित है भारतीय संविधान का 17वां अनुच्छेद, और एबोलिशन एंड अनटचेबिलिटी को हिंदी में हम उन्मूलन और अस्पृश्यता बोलते हैं इससे संबंधित है, और इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये आर्टिकल 16 में है, और नेशनल इमरजेंसी ये आर्टिकल 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड इनिशियली, कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे भारतीय नागरिक को, जब संविधान बना था उसमें कितने मौलिक अधिकार कितने फंडामेंटल राइट थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, 7 थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे भारतीय नागरिक को, बट अभी 6 ही मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम निम्नलिखित में से किसे संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट विच बाय विच अमेंडमेंट, किस संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया हटा दिया गया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 45th अमेंडमेंट के तहत द राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और इसका मेन रीजन ये दिया गया क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसलिए इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, इसका सही आंसर ये ऑप्शन सही है 44th अमेंडमेंट, और 44th अमेंडमेंट कब हुआ था तो ये 1978 में हुआ था 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सस्पेंड नहीं किए जा सकते हटाए ना जा सकते, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्टिकल 20 के तहत किसी भी राज्य के नागरिक को तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वह क्राइम और अहिंसा नहीं करता है, और आर्टिकल 21 के तहत किसी भी नागरिक को अपने अधिकार अपने स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जाते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू सवान सिंह कमेटी, निम्नलिखित में से किसे हम सवान सिंह कमेटी के नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, फंडामेंटल ड्यूटी को हम सवान सिंह कमेटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू अंडर विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपात लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है देश में लागू किया जाता है,
इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है। आर्टिकल 360 के तहत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है और अब तक देश में एक भी बार आर्टिकल 360 लागू नहीं हुआ, क्योंकि अब तक देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है जिसका सही आंसर ऑप्शन होगा नेवर। और आर्टिकल 352 इसके तहत देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है और देश में नेशनल इमरजेंसी अब तक कई बार लग चुके हैं, जैसे 1962 में लगाया गया था इंडिया चाइना वार, और 1965 में लगाया गया था, और 1975 में भी आर्टिकल 352 लागू हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा। और आर्टिकल 356 इसके तहत देश में स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, इसे प्रेसिडेंट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। और आर्टिकल 368 इसके तहत संविधान में संशोधन का अवधारणा दिया गया है, अमेंडमेंट की अवधारणा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। राष्ट्रपति का महाभियोग ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 161 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 161 के तहत आता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज विच अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का नवी अनुसूची जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहले संशोधन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था और इसके तहत 9th शेड्यूल ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट सोशलिस्ट वाज ब्रॉट इनटू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, 42nd अमेंडमेंट के तहत संविधान की प्रस्तावना में या संविधान की प्रीएम्बल में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन ये सही है, 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1976 में। और 46 अमेंडमेंट के तहत गोवा और दमन दीव को एक यूटी से अलग किया गया और गोवा को एक फुल स्टेट बनाया गया था। और 46th अमेंडमेंट 1987 में हुआ था। और 43rd अमेंडमेंट के तहत मिजोरम को एक राज्य बनाया गया था। और 43rd अमेंडमेंट 1986 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 43rd अमेंडमेंट ये मिजोरम को एक राज्य बनाया गया था और 1986 में हुआ था 43rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट द पावर टू एम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्पेशली कन्फीड अपॉन द पार्लियामेंट। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा संविधान को संसद पर विशेष रूप से शक्ति प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, 24th अमेंडमेंट के तहत संविधान को पार्लियामेंट में विशेष शक्ति प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 24th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे दल बदल कानून भी बोलते हैं, ये से संबंधित है। और 42nd अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ पर बैन लगा दिया गया था। और 42nd अमेंडमेंट कब किया गया था? तो 1985 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो ये वेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 1951 से 1952 तक हुआ था पहला लोकसभा का जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस एज ए विच अमेंडमेंट। किस संशोधन के तहत जीएसटी को पेश किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही है, 101 अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को भारत में पेश किया गया था। और जीएसटी को हम गुड सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये 101 अमेंडमेंट जो 2017 में 101 अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत जीएसटी को पेश किया गया था भारत में। नेक्स्ट है, वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न। लिखित संविधान का कंसेप्ट ये किस देश में सबसे पहले बोर्न हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट ये सबसे पहले यूएसए में बोर्न हुआ था। बस आज इतना, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो, थैंक यू।